तो गाइज ये तीसरा मैच शुरू होने जा रहा है जो कि राउंड वन का है। इसमें आप हमारे सामने दो प्लेयर देख रहे हैं, दोनों प्लेयर जो है काफी धुआंधार है भाई, काफी धुआंधार। मतलब लास्ट के दो मैचेस देखे हो ना, उसके बाद ये देख लो भाई, ये जो मैच होने जा रहा है ना, ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक और धुआंधार है भाई। तो भाई सामने है हॉक कनव के सैवेज, हॉक सैवेज। तो भाई क्लैन मेंबर्स जो है एक दूसरे के साथ फाइट लेने वाले हैं। चलो लेते हैं मजा, स्पेक्टेटर में घुसे हैं मैं और सुजान भाई। तो आगे देखते हैं, रूम को स्टार्ट करते हैं। तब तक गेम्स के रूल्स तो आपको पता ही है, M416 के साथ खेलना है, नेड इस्तेमाल कर सकते हो, लेवल 3 के वेस्ट हेलमेट को यूज नहीं कर सकते, ड्रॉप गन्स यूज नहीं कर सकते, स्लाइड यूज नहीं कर सकते, कैंपिंग नहीं कर सकते, बीच में गन शॉट चलानी है। तो गाइस दोनों ताबड़तोड़ प्लेयर है, दोनों के दोनों, इनके मैचेस के इसी तरह से सेट किया गया है कि भाई बंदे जिस लेवल का हो ना, उस लेवल का भाई आसपास बंदों को भिड़ाना चाहिए। तो भाई यहाँ पे मैं अभी फिलहाल ड्रोन पे चलता हूँ, काफी बच बचा के खेलेंगे बंदे, क्योंकि कैंपिंग अलाउड नहीं है। खुद को बचाना है तो भाई कैंपिंग नहीं करनी है। क्यों भाई सैवेज क्या कर रहा है, इंतजार किसका इंतजार कर रहे हो बॉस? अरे उठो तो सही, सेटिंग्स कर रहे हो क्या? लगता है इसकी सेटिंग्स पूरी हो चुकी है। पहला किल कौन निकालेगा, पहला किल कौन निकालेगा, पहला किल कौन निकालेगा? ये धुआंधार प्लेयर, वाह लड़के 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 लड़के, ओह सेवन ने यहाँ पे पहला किल उठाया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया करो कि वो फिर से बैक कर गया उस डायरेक्शन में, और सेवन को पता था कि वो बंदा उसी डायरेक्शन से निकलने वाला है, तो भाई फ्री फायर के साथ वहां पे खत्म कर दिया। यहाँ पे मूवमेंट हो रही है दोनों टीम की, मैं देख रहा हूँ भाई दोनों प्लेयर मूवमेंट कर रहे हैं। ओ यहाँ पे ओपन में सैवेज फंस गया भाई, बट यहाँ पे खुद को ओपन में रखा था कनव भी, और यहाँ पे 1v1 और 1v1 दोनों स्कोरिंग जो है बिल्कुल सेम है भाई, मस्त मजा आ रहा है बाबा। ये देखो गन शॉट पे अपना लोकेशन को रिवील करते हुए, ओ यहाँ पे कनव कनव यहाँ पे यार लो गया था सैवेज जो है। यहाँ पे एक पॉइंट से जो है सैवेज लीड कर रहा है कनव से। ओह क्या ही शॉट खेला है भाई, क्या ही शॉट खेला है, मस्त खेला है रे बाबा। क्राउच एंड शूट का फायदा हो गया यहाँ पे, बंदे जो है कंफ्यूजन में रह गए, हेड लेने के चक्कर में था शायद सैवेज, बट नहीं ले पाया क्योंकि क्राउच एंड शूट मिल गया उसे। चलो अब सामने सामने, अब मेरे को लग रहा है बंदे आसपास है। सैवेज की मूवमेंट हो रही है, कनव की भी मूवमेंट हो रही है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे क्लोज कर रहे हैं। ओ हिट पड़ा हिट पड़ा हिट पड़ा हिट पड़ा, थोड़ा सा हिट पड़ा। लो कर दिए हैं कनव को, ओ भाई क्या ही खेला है कनव भाई, खुद को बचाते हुए सैवेज को फिनिश डाल दिया। ओह यार ये क्या है, ये क्या है, ये अल्लाह बाबा, ये इमोट कर रहे ले भाई। ओ ओ भाई मोड पर गया भाई, यहाँ पे क्यों भार पर गया भाई मोड, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार 3v3 बोले तो 3v3, मेरे को तो जैसा लग रहा है ना भाई कि ये लोग का मैच जो होने वाला है लास्ट में एक एक पॉइंट का डिफरेंस में गेम जीतने का है, एक एक पॉइंट के डिफरेंस पे ये गेम हार जीत पे डिसाइड करेगी। देखो भाई यहाँ पे 4 और 3 का स्कोरिंग चल रहा है, इतनी जल्दी दोनों बंदे जो है हारेंगे नहीं भाई। ओह शॉट लगाया है भाई, शॉट लगाया शॉट लगाया है, कनव कर क्या रहा है, फिर से मोड मारा है क्या? कर दिया लो। ओ भाई भाई साहब कनव क्या कर रहे हैं, बर्फ मार रहे उसको। ओ भाई एक किल फ्री में बर्फ मारने का दिया है, कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना, मजाक चल रहा है भाई, मजाक चल रहा है, हाँ क्या ही मजाक चल रहा है।
फुट लेना काफी जरूरी है क्योंकि बंदे इतने डिस्टेंस पे है कि फुट नहीं ले रहे और दे रहे हैं। ओ भाई गलती से ऊपर चढ़ गया, गलती से ऊपर चढ़ गया और सेवन उसे ठिला दिया। और मेरे को भी लग रहा था कि सेवेज कुछ ज्यादा फायरिंग कर दिया यहाँ पे, फिर भी अभी सेवेज 2 पॉइंट से पीछे है और 2 पॉइंट से लीड कर रहा है यहाँ हॉक का नव भाई। हॉक सेवेज काफी मेहनत से पूरा घुसे जा रहा है क्योंकि उसको पता है मैंने लो कर दिया है यहाँ, खुद को हिलअप करने की कोशिश यहाँ पे, बट यहाँ पे गन किया वो खत्म होते हुए ही का नव यहाँ पे ढेर हो चुका है और यहाँ पे डबल गन का फायदा हो गया है सेवेज को भाई। यहाँ पे दो दो M4 कंधे पे हो तो कुछ और ही मजा हो। और डैमेज 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 भाई स्कोरिंग बराबर कर लिया है सैवेज ने, तो कनव को फिर से मेहनत करना होगा स्कोर को आगे ले जाने के लिए। मैंने जैसे कहा आपको कि भाई ये दोनों बंदे काफी ही खतरनाक है, काफी खतरनाक, तो कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। दोनों का हीलिंग अब देखो भाई, दोनों का देखो ऑलमोस्ट सेम, बट यहाँ पे फाइनली कनव ने एक किल निकाल लिया है। अब ये बंदा इमोट नहीं करेगा जितना मेरे को लग रहा है, लास्ट टाइम इमोट करने के चक्कर में ये फंस गया था। मस्त रोटेशन दे रहा है भाई, पीडीएम में भी रोटेशन का ही खेला है। थोड़ा सा गोली हिट हो गई है भाई, भाई लो पे नहीं खेलना था ना, लो पे नहीं खेलना था का ना। थोड़ा सा आपको फॉल बैक बोल के भी चीज होती है हल्की सी, हिलअप कर लिया करो। क्या एंगल पकड़ रहा है सैवेज, सैवेज क्या ही एंगल पकड़ रहा है, उसे पता है बंदा इस एंगल से निकलेगा तो इस एंगल से मैं मारूंगा। हिट दिया है भाई, एक किल से फिर से लीड कर रहे हैं यहाँ पे कनव। कनव क्या ही दिमाग लगा के खेल रहा है भाई, क्या ही दिमाग लगा के भाई, बहुत ही शानदार खेला, बहुत ही शानदार भाई। टीडीएम का टूर्नामेंट हो तो इस तरह के प्लेयर्स का हो, मार के धुआं छुड़ा देने वाला प्लेयर्स हो भाई। यहाँ पे कनव और सर्विस दोनों ही बराबर स्कोरिंग पे 9-9 गेम के जो है भाई साहब। यहाँ पे गेम के 7 मिनट ऑलमोस्ट पार हो चुके हैं और भाई साहब यहाँ 3 मिनट आखिरी के बचे हुए हैं, 3 मिनट आखिरी के बचे हुए हैं। सेवेज बहुत ही लो, बहुत ही लो, ये अगर इस बीच घुस सकता है, बट सेवेज खुद को हील अप करते हुए, खुद को हील कर लिया है सेवेज ने। ओ भाई चोरी छुपा छुपा छुपन छुपाई क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है भाई, छुपन छुपाई चल रहा है। यहाँ पे एक किल से लीड कर रहा है सैवेज भाई, क्या एक किल से। अब यहाँ पे देखना है कि आखिरी के 2.5 मिनट बचे हुए हैं और किल्स बराबर रहते हैं या फिर किल्स जो है आगे पीछे होता है, तो कौन किसको हराता है यहाँ पे भाई। दोनों के दोनों ने फिर से आप देख रहे हो किल्स कितने कम दे रहे हैं भाई, दोनों ने 10-10 किल किए हैं, जो कि लास्ट मैच में 23 किल उठे थे और 18 किल उठा था, बट इस बार ऐसे खतरनाक प्लेयर है दोनों कि भाई सैवेज और कनाओ कि ये लोग ना किल दे रहे हैं एक दूसरे को, ना ही जल्दी किल ले पा रहे हैं। ओ भाई क्या ही क्या ही क्या ही क्या ही लो किया है हल्का सा, ओ भाई क्या ही खेला, क्या ही खेला है। कनाओ लो हो चुका था थोड़ी सी, मेरे को लगता है एक बुलेट का मेहमान था यहाँ पे कनाओ। कनाओ अपने को रिवील कर दिया है, इंस्टॉलमेंट में गोलियां बरसा रही है भाई, बरस रही है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में, बट यहाँ पे प्रोन एंड शूट बिल्कुल गलत टाइम पे और 11 11 का स्कोरिंग है। 1 मिनट 16 सेकंड बचा है भाई, करना क्या, 1 मिनट 16 सेकंड में क्या ही समझ सकते हो भाई। 1 मिनट 16 सेकंड बोले तो 1 मिनट 9 सेकंड बचा है, यहाँ पे दोनों का स्कोरिंग बराबर है, किसी को तो जीतना है यहाँ पे, एक किल प्लस रखनी है, दिमाग लगा के जीतो अदरवाइज गेम हो जाएगा ड्रॉ।
फिर से होगी मैच। तो भाई सैवेज यहाँ बहुत ही लो, बट यहाँ पे कानव ने किल से खुद को लीड कर लिया। 46 सेकंड बचा हुआ है भाई, मजे आ रहे हैं गेम देखने में। कानव लो है, रिस्क लेना चाहता है, बट यहाँ पे वापस भाई दो किल से कानव खुद को लीड कर लिया है। टाइम रिमेनिंग 30 सेकंड, 30 सेकंड में क्या दो किल निकाल पाएंगे यहाँ पे सैवेज। सैवेज को बहुत ही समझ बुझ के खेलना होगा, 30 सेकंड में दो किल निकालने होंगे यहां सैवेज को। लेकिन अब तो तीन किल निकालने होंगे सैवेज को। क्या ही खेल रहा है कनव, कनव भाई कनव मार रहा है, कनव मार रहा है। बट यहां पे देख रहे हो जैसे कि आपकी हॉक कनव जो है 14 किल टोटल फिनिशेस मारे हैं, और एवरेज रेशियो रहा 1.3 का, और हॉक सैवेज का जो है यहाँ पे 11 फिनिशेस के साथ एवरेज रेशियो रहा 0.8 का। तो फाइनली कहा जाता है कि भाई रेस जो है आप एक इंच से जीतो या फिर एक मील से जीतो, जीत जीत होती है। तो यहाँ पे हॉक कनव को विक्ट्री की कॉन्ग्रेचुलेशन। राउंड वन से राउंड टू की ओर जा रहे हैं यहाँ पे हॉक कनव। तो काफी तगड़ा मैच हुआ यार, मजा आ गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल पब्लिक्स।